नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम आपको BT मॉड्यूल के बारे में जानकारी देंगे कि कितने तरह के मॉड्यूल मार्केट में आते हैं और क्या क्या यूज़ होता है इनका और कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्पीकर के अंदर। ये देखिए आप, इस तरह का BT मॉड्यूल मार्केट में आता है। ये जनरली डबल स्पीकर के लिए होता है। ये इसमें 4 वोल्ट बैटरी का करंट दिया जाता है। इसमें देखिए आप, ये स्पीकर के वायर हैं, पीछे कनेक्शन दे रखा है, ये बैटरी का प्लस माइनस दे रखा है। यहाँ पे हम अपना माइक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये USB पोर्ट होता है, इससे गाना आगे पीछे कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ बटन है इसका। ये 5 वोल्ट का चार्जिंग स्लॉट दे रखा है इसके अंदर। ये 5 वोल्ट का चार्जिंग का करंट देंगे तो हमारी बैटरी इसमें चार्ज होगी। एक इस तरह का मॉड्यूल भी आता है, ये जनरली सभी डिब्बों के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस बॉक्स में इस तरह के कार्ड आते हैं, जैसे TG-113 का कार्ड आता है, ये लंबे वाले बॉक्स आते हैं चार्जिंग वाले, उसका कार्ड है ये। जनरली ये क्या नाम है, कार्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, या इस तरह के कार्ड आते हैं। ये डबल स्पीकर वाला है, LED वाला। इसमें यहाँ लाइट जलती है दोनों में। इसमें साइड में, दोनों साइड में स्पीकर होते हैं। ये उस डिब्बे का कार्ड है। ये लकड़ी वाले बॉक्स वाले स्पीकर कार्ड आते हैं, या प्लास्टिक छोटे 200-250 रुपये वाले स्पीकर आते हैं, उसके अंदर BT कार्ड आता है ये वाला। अगर किसी भी तरह का BT कार्ड आपको नहीं मिला तो जनरली ये वाला कार्ड आता है। इसका यूज़ करके आप किसी भी डिब्बे में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली अपने डिब्बे में कहीं भी कटिंग कीजिए, कटिंग करने के बाद इसमें 5 वोल्ट सेल का करंट देना है आपको। ये स्पीकर कनेक्शन होता है, इससे आप 1 स्पीकर 2 स्पीकर आपस में जोड़ के चला सकते हैं। और हम आपको चेक करके दिखाते हैं स्पीकर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इस तरह का ये सेल आता है, इसका करंट 3.7 वोल्ट होता है। इसमें 2 तरह के कनेक्शन वायर होते हैं, प्लस और माइनस। इसमें एक बैटरी का करंट के लिए ये वाला स्लॉट होता है रेड कलर का। इसमें नीचे लिखा होगा B-B+, मतलब प्लस पॉजिटिव इधर लगेगा, नेगेटिव इधर लगेगा। तो हम इसी तरह इसका देख लेंगे कि पॉजिटिव किस तरह पर है। ये पॉजिटिव है लाल तार, हम इसे पॉजिटिव में लगा देंगे। देखिए आप, देखिए इसमें ब्लूटूथ कार्ड में करंट आ चुका है। अब हमारे पास स्पीकर है, जनरली हम इसे यूज़ करके दिखाते हैं आपको। स्पीकर का तार इसमें लगा देंगे, आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये आपका कार्ड चालू हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कार्ड चालू करके दिखाता हूँ। ये बड़ा BT मॉड्यूल है, इसकी कीमत मार्केट में 100 से 150 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको 80 रुपये 90 रुपये जैसे आपको मिले, 80-90 रुपये 100 रुपये तक का आपको अवेलेबल होगा। होलसेल में जाएंगे तो आपको 75-70 रुपये तक का मिल सकता है। ये अपना TG-113 का, इसकी कीमत भी 70-80 रुपये होती है लगभग। चलो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इसका। ये पहले हम इसमें स्पीकर का करंट दे देंगे, उसके बाद ये बैटरी का कनेक्शन देंगे। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। हमारा कार्ड चालू हो चुका है यहाँ पर। ये मोड चेंज करने का बटन है, इसमें मोड चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा कार्ड चेक करके दिखाता हूँ कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। ये इस तरह के कार्ड आते हैं गोल वाले बॉक्स के अंदर। इसमें भी सभी जितने भी ये BT मॉड्यूल हैं सबके अंदर प्लस माइनस का स्लॉट दिया होता है। ये स्पीकर स्लॉट होता है, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकता है इसे। अब इसमें हम प्लस माइनस देख लेंगे किस साइड है अपना। इसमें ये लिखा है, इसमें प्लस इस साइड है, माइनस इस साइड है। तो इसका प्लस साइड इस साइड कर देंगे, माइनस इधर कर देंगे, लगा देंगे। ऐसे ही हम इसका स्पीकर के तार लगा देंगे इसमें। इसमें डबल स्पीकर, सिंगल स्पीकर दोनों की प्लेट आती है। फिलहाल ये सिंगल स्पीकर की, अगर 2 स्पीकर आप चलाना चाहते हैं तो यहीं से इसके कनेक्शन देकर आप डबल स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऑन ऑफ करके देखते हैं, ये ऑन ऑफ का बटन है इसका। ये देखिए ये ऑन हो चुकी है यहाँ प्लेट, और ये LED का बटन भी दे रखा है इसमें। ये प्लस माइनस वॉल्यूम के हैं, ये सभी तार के कनेक्शन आप इजीली से भी फिट कर सकते हैं अपने बॉक्स वगैरह में। ये TG-113 का स्पीकर का आता है, जो गोल वाले लंबे वाले डिब्बे आते हैं। इसमें भी प्लस माइनस पॉजिटिव स्पीकर का कनेक्शन होता है।
अपने लकड़ी वाले बॉक्स या प्लास्टिक वाले डिब्बे आते हैं उसके अंदर का कार्ड होता है, ये भी फ्रेम के अंदर लगा हुआ होता है। आप फ्रेम में पुराना वाला निकालिए, नया फ्रेम में फिट करके पेंच लगा के आप कनेक्शन दे के इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें गाना चेंज वगैरह करने के लिए पॉइंट दे रखा होता है, इससे गाना आगे पीछे कर सकते हैं आप। ये ऑन ऑफ का स्विच होता है, ये चार्जिंग के लिए स्लॉट होता है। कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग पिन वगैरह आपकी अगर टूट जाती है, अगर डैमेज हो जाती है, तो आप चार्जिंग पिन के भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो बाहर वाली बॉडी होती है पूरी नेगेटिव होती है इसकी, और जो इसका सबसे लेफ्ट वाला साइड होती है ये पॉजिटिव साइड होती है। जो पॉजिटिव करंट अपना मिल रहा है इसमें सेल से पॉजिटिव वायर में जा रहा है करंट यहाँ से घूम के इसमें, तो आप या जनरली आप बैटरी के पॉजिटिव पे और यहाँ के नेगेटिव पे लगा के आप इसकी चार्जिंग पिन को कोई और पिन इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर जनरली ये पिन निकालनी है तो आप ये पिन भी निकाल सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको ये पिन निकालना, जैक लगाना भी बताएंगे कि कैसे हम जैक लगा सकते हैं इसमें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।